ये हो गया रेडी हमारा मिल्क। अब चाहो तो हम इसको स्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टर करके पियो, मजा आ जाएगा। टडान मस्त लग रहा है ना। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैंने बनाया है ये वाला जेली वाला ड्रिंक, जो कि बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे मैंने ना दूध को बॉईल करके रख लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये देख रहे हो आप, ये है साबूदाना। साबूदाने को भी अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है मैंने, और ये जो वाइट वाइट दाने हैं ये भी है ना, थोड़े टाइम जब तक ये ठंडा होता है तब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे है ना ये जेली पाउडर लेके आई थी मैंने, खाली पानी को बॉईल करना है और साथ में ये जेली पाउडर ऐड कर देना। एक उबाल आने के बाद इसको ठंडा होने रख देना, तो ये खुद ब खुद सेट हो जाती है। उसके बाद चाहे तो हम इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब्जा भी भिगा के रख लिया है। सब्जा मैंने एक चम्मच से भी कम भिगाया था और इतनी क्वांटिटी हो गया है। यहाँ पे मैंने एक कप पानी लिया है मतलब, और उसी के अंदर मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर मिलाऊंगी। दूध एक्चुअली ठंडा था ही नहीं, क्योंकि मैंने सारा दूध है ना बॉईल कर लिया। अगर ठंडा दूध होता ना तो ठंडे दूध के अंदर थोड़ा सी कस्टर्ड पाउडर मिला लेना। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चम्मच मैंने मिलाया और पौना लीटर दूध में मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि था कि थोड़ा सी शरबत जो है अपना थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा लगे। ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको थोड़ा सी वॉश कर लूँगी अपने साफ पानी से, क्योंकि जो इसके अंदर स्टार्च है ना ये निकलना ज़रूरी है, तो ही खाने में मज़ा आएगा। नहीं तो शरबत में क्या होगा ना, इसका स्टार्च फील होगा, तो वो नहीं चाहिए अपने को साबूदाना के ना खुले खुले दाने चाहिए शरबत में, जैसे सब्जा होता है ना वैसा। तो जितना स्टार्च है इसका वॉश करके निकाल लूँगी मैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये खुले खुले दाने हो चुके है ना, तीन पानी से मैंने इसको वॉश किया, ये खुले खुले दाने हो चुके। और एक दो बार वॉश कर लो, और ज़्यादा खुले खुले हो जाएंगे दाने। अब इतने काजू बादाम काट लूँगी मैं, ठीक है। 5-6 का बादाम ले लिए मैंने, काजू ले लिए इतने, और पिस्ते ले लिए इतने, और इसको पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस में काट के ले लूँगी मैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी काट के रख लिए हैं मैंने, अब वक्त आता है जेली को काटने का। तो यहाँ पे जेली देख सकते हैं आप, अच्छे से सेट हो चुकी है, ठीक है। मैंने ये टोप में ही निकाल के रख दिया, कोई मैं साचा मोल्ट नहीं लिया, यही जो टोप में मैंने बॉईल किया उसी को उठा के मैंने ठंडा करने रख दिया। पहले मैंने बाहर ही नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा किया, उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बड़े बड़े मोटे मोटे प्लस स्लाइसेस चाहिए तो मोटे मोटे करो, बारीक बारीक चाहिए तो बारीक बारीक करो। मैं भी मोटे बारीक सब तरीके के करूँगी, एक जैसे शेप नहीं निकालूँगी, ठीक है। ये देखो मैंने उज़्मा की जेली बनाई, आपके भाईजान आ गए। अरे उज़्मा वाली जेली बनाई बाबू, झाड़ पे रख दी थी उसने खिलौने, और गार्डन चले गई छोड़ के। आपके भाईजान आए हैं अभी। अस्सलामुअलैकुम। तुम तो आज जल्दी आने वाले थे, गाड़ी का काम कराने वाले थे। मैं गाड़ी का काम करा के आया हूँ, एसी चालू हुई। गाड़ी लेके गए थे तुम? हाँ। काम पे गाड़ी लेके गए? हाँ। थे बड़े लोग कार फील्ड पे कार लेके जाते हैं बड़े लोग। कहाँ पार्किंग मिली? पार्किंग है जैसे डॉक्टर मेरे पास, हाँ पार्किंग। आज 3-4 कॉल ही किए, ज्यादा कॉल किए नहीं। कौन था साथ में कार में, किसको सैर करा रहे थे? मुफीद था मेरा कलीग, था मेरा एरिया मैनेजर, बोल सकती है? बोल सकती है या नहीं है? है या नहीं है कि खाली बोल सकती है? अभी बोल सकती है, कुछ भी बोलते थे आपके भाई जान। चलो अब ये भी रेडी हो गया, अब मैं पहले बर्तन धोऊंगी, वापस इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो अब क्या, मेरा जब एकदम इफ्तार का टाइम नज़दीक आएगा ना, तो सब रेडी है, कस्टर्ड मिल्क रेडी है, ये रेडी है, साबूदाना रेडी है, सब्जा रेडी है, और ये ड्राई फ्रूट्स रेडी है, बस खाली ग्लासेस बनाना रहेगा। तो ऐसा है, यहाँ पे ये भी ठंडा ठंडा हो गया है, यहाँ पे सब्जा अच्छे से भीग चुका है। चलो अब प्रिपरेशन करते हैं हम। प्रिपरेशन क्या, अब रेडी करना है, प्रिपरेशन तो हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले कांच के ग्लास में हम भरेंगे आइस। सब्जा डाली मैंने इसमें, 2-3 आइस क्यूब्स डाले हैं, थोड़ा सा साबूदाना ऐड करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है।
उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जेलीज, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर हमारे ये कस्टर्ड मिल्क, अब उसके ऊपर ऐड करेंगे हम थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़ा सा पिस्ता, ठीक है। ये हो गया रेडी हमारा मिल्क। अब चाहो तो हम इसको स्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टर करके पियो, मजा आ जाएगा। टडान, एक बना रही हूँ रूह अफजा वाला, इसमें थोड़ा ज्यादा आइस डालूंगी क्योंकि पहले ही वो मीठा है और ऊपर से रूह अफजा मैंने ऐड किया है तो मीठा मीठा और लगेगा, लेकिन दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा ये। तो मैं एक रूह अफजा वाला बना रही हूँ, दिखने में ग्लास भी बहुत अच्छा लगेगा और पीने में भी मजा आएगा। ये समझ लो ये मैं मेरे लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर सब्जा ज्यादा डाला है, साबुदाना ज्यादा डाला है, क्योंकि साबुदाना और सब्जा जो है पेट को ठंडा रखता है। इफ्तारी टाइम के लिए ये ड्रिंक बहुत बेस्ट है। घर में ट्राई करना आप लोग और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसी बनी, ठीक है। अभी बाकी बची हुई जेली पे उज्मा की नजर है, उज्मा यहाँ खड़ी हुई है तो उज्मा को दे रही हूँ, बेटा जा खा ले, एंजॉय कर, गो गो एंजॉय। तो अब इसके अंदर बाकी बचा हुआ टोटल इसमें बने हैं हमारे 5 ग्लास, जो कि मैंने बाजू में भी भिजाया है अपने रिलेटिव सॉरी नेबरहुड को, तो ऐसा है, ठीक है। 5 ग्लास फुल बन चुके हैं इसमें, तो देख सकते हैं। अब इसके अंदर डालूंगी ड्राई फ्रूट। मेरा ग्लास स्पेशल बन रहा है। चलो ठीक है, लाओ एक फोटो खींचती हूँ मैं अच्छे से। मस्त लग रहा है ना। तो आज इफ्तारी में ज्यादा कुछ भी मैंने बनाया नहीं है। यहाँ पे ना ये क्या बोलते हैं ना, वो फ्रीजर वाले फ्रीज वाले जो मैकिन के ये स्माइली थे वो मैं फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही साथ ये जो है वो चीज़ पटाटो नगेट्स जो थे वो भी लाई थी डिमांड से, तो वही फ्राई कर रही हूँ। एक्चुअली में वो जो ग्लास होता है ना जो मैंने शरबत बनाया बहुत हैवी होता है। हाथ पे मेंदुवड़ा लेके कौन दुआ करता है, उसमें दुआ पहले करो। इसको इफ्तारी के समय में एक दो चीज कुछ ऐसी दिख जाए ना जो इसकी फेवरेट है तो इसकी दुआ है ना खाते साथ हो, खाते खाना और दुआ एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता है बेटा, तुमने रशियन कबाब वाले वीडियो में भी ऐसी तुमने दुआ किए थे, जब है ना रशियन कबाब बनाता ना तभी भी इफ्तारी से पहले उसको इफ्तारी करने की थी, तो ऐसा है। तो यहाँ पे हमारा दस्तरखान बीत चुका है और माशाल्लाह से इफ्तारी भी बहुत अच्छी है। अल्लाह नवाजता है, अल्लाह हर किसी को इस तरह की इफ्तारी नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छे से दुआ कर सबके लिए, अल्लाह से बोला जो बे औलाद है उनको मेरी ऐसी प्यारी प्यारी सी एक छोटी सी बेटी दे दो या छोटा सा बेटा दे दो। दुआ करो हाँ उसको। चलो कौन सा बटन है? अम्ब्रेला स्लीव। चलो हटो देखते। क्या टाइट नहीं होना चाहिए? पर ये किस चीज़ का पता दिया? मेरे को
रुजमा क्या कर रही बेटी? उसको तो गरीब सा बैठी है। ए व्हाट्सअप, सब खैरियत? फानी बोला अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ कैसे? हाँ मेरा बेटा। बस तेरे लिए। अच्छा लेकिन वालेकुम अस्सलाम। फेवरेट कलेक्शन है ना? हाँ मेरे फेवरेट बर्तन है ये, टॉप हो या कढ़ाई हो मैं इसी तरीके की लेती हूँ। लेकिन मेरी ऑडियंस को कढ़ाई चाहिए बोलते, मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे टॉप भी मिलते हैं वही टच के वाले। भाई अंदर से बताना, टच के वाला प्लेन रहता है कि अंदर भी टच का रहता है? अंदर भी रहता है ना। हाँ बड़े में है ऐसा कुछ पता? तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ से आके लेके जा सकते हैं। ये 5 नंबर पुल पे है इसकी दुकान। मैंने यहीं से ली थी कढ़ाई। आप लोग कई बार पूछते हो कढ़ाई कहाँ से ली, कहाँ से ली, कहाँ से ली। भाई मैंने 5 नंबर से ली थी। ये एक छोटी दुकान है लेकिन बहुत काम की है। यहाँ से आके लेके जाओ ठीक है। एक हमारी बहन ने दफन कर दिया है। अल्लाह ताला इनकी आमाल को कबूल फरमाए, मौला इनकी आमाल वालों को शांत और आबाद रखने का मौका देने के बचा ले। मौला जो लोग तेरे अदारे की मदद कर रहे थे उसकी शायद चालू की मदद फरमा दो। और एक हमारे बच्चे ने चल 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 क्या ये लड़के लोग किए ना? 5 साल के हिसाब में ही दिखाना भाई। हाँ इसमें बाबू मेरा
बाबू अभी बढ़ रही है वो, आएगा शायद से उसको पैजामा तो बहुत बड़ा लेकिन बताओ तो आज बाप रे। पहले बात तो कर ले उसका हिसाब किताब। बोलो मुझे देने का सर, मैंने 600 बराबर बोली, इतना सही बोली मैंने नहीं। और ये कब से लगा दुकान में बताओ, सच्ची बता। चलो कुछ भी कुछ भी है नहीं, मैं बोल दी, तुम बोल दो अभी फाइनल देर है, अगर ठीक है ना तो मैं जाती फिर नहीं कुछ भी। नहीं रे, ले ले तो देने का क्या साइज का ये? हाँ ये कौन सा साइज है? जानवर ये कड़े कितने के? 30 रुपए का। 20 रुपए का? नहीं 30। ए जो 30 रुपए जोड़ी कैसे ना कुछ ऐसा रखना। अरे मैं क्या बोल रही हूं, 30 रुपए जोड़ी, 30 रुपए के चार, ये भी 30 रुपए के चार। आप कितने बजे तक रहते रात में आप लोग? सुबह 5 बजे तक रहते हैं। सही सही तलक स्कैन कर दो ना बाबू। बस सो हम लोग आ गए घर पे। अरे बाप रे 11:30 बजने आया है रात का। तो मैंने क्या क्या लाई, मैं ऐसे सरसरी आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि डिटेल करते बैठूंगी ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैंने एक दस्तरखान ली, ये वाला, ये देखो ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था, लास्ट टाइम भी मैंने देखा था ये वाला दस्तरखान, बट तब मैं ले नहीं पाई थी, टाइम हो रहा था घर पे आने के लिए, लेकिन इस बार मैंने ले लिया। बस वो टाइम मैं ले नहीं पाया क्योंकि मैं गरीब थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। नहीं ऐसा नहीं था, आ चुके हैं, अब मैं खरीद लूंगी। इनकी एक्टिंग देखो, वापस बोलो। नहीं नहीं वापस बोलो, अब तुमको बोलना ही पड़ेगा। मैं पहले खरीद नहीं पाया क्योंकि मैं गरीब थी, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज मेरे पास पैसे है तो आज मैंने खरीद लिया है। नहीं ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआ से। बहुत बोलते ना तभी भी पैसा था मेरे पास, लेकिन तब बहुत भीड़ थी उनकी शॉप पे तो इसलिए मैंने नहीं लिया था, और हाथ में बहुत सारा सामान था तब तो मैंने नहीं ली थी। आज मेरे को दिखा तो मैंने वापस ले लिया ये दस्तरखान, मुझे बहुत अच्छा लगा था सच में, पता नहीं क्यों इसका कलर इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था तो ले ली। जबकि मुझे लास्ट टाइम 120 रुपये का मिल रहा था और इस टाइम 140 का, लेकिन नहीं माना वो बंदा, नहीं दिया 120 रुपये का, तो फिर भी मैंने ले ली, क्या करूँ। साथ में मैंने एक छलनी ली, ऐसी छलनी मेरे पास बिल्कुल नहीं थी, खींच नहीं,
तो मैंने ये ले ली। चावल छानने वाली थी मैं पचन्नी, जो अम्मी के इधर से लेके आई थी, अम्मी की शादी की, जो मैं हमेशा उसमें ही चावल छानती हूँ बिरयानी के लिए। तो लेकिन मुझे ये चाहिए थी मोमोज बनाने के लिए, मोमोज बनाना है मुझको, लेकिन ऐसी छलनी में क्या होता है ना, ईजी हो जाता है मोमोज बनाना। और ये वाली छलनी मैंने ऑलरेडी एक ली थी, लेकिन उसमें बहुत जंग लग गया था, तो मुझे ये चाहिए थी। कुछ भी चीज़ ऐसे जैसे मीठी चटनी वगैरह बनाना होता है तो छानना बड़ा ईजी हो जाता है इसके अंदर इमली वगैरह, तो उन्होंने बोला इस पर नहीं जंग लगेगा तो ये ले लो, तो मैंने ले लिया। अब देखते इस पर जंग लगता कि नहीं लगता। दूसरा मेरा टॉप का सेट किधर है? मेरी चाय, नहीं चाय ठंडी तो है बाबू, चाय चाय पीने आओ, मिलती हूँ दो मिनट चाय पी के बताती हूँ क्या क्या ली। हाँ तो बर्तन की शॉप पे मैंने तीन का सेट जो टॉप है ना वो भी ले लिया है चाय के लिए। पता नहीं चाय के बर्तन कितने भी हो ना घर में मुझे कमी लगते हैं, जब भी मैं शॉप पे जाती हूँ ना मुझे ये सारी चीज़ें दिखती है ना, मेरे को लेने का मन करता है और मैं ले लेती हूँ। और लाइट कितनी कम है, लाइट ही नहीं चालू करते एक तो बाबू, हाँ नहीं तो क्या ऐसे ही करते हैं। तो ये तीन का सेट मैंने टॉप ले लिया, साथ ही साथ है ना रगड़ा खिचड़ा लिए थोड़ा सी, और हलवा पराठा लिए थोड़ा, वैसे भाजी कल की अभी तक रखी है फ्रिज के अंदर, और वो अफ्तारी के टाइम पे आज हम लोगों ने वो छोले भी नहीं निकाले जो मैंने कल बनाई थी, वो भी रखे हुए हैं। अब देखते भूख लगेंगे तो कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह खाना है जो चाहिए वो लेके खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने ये कुजमा के लिए ये चिकन वाला कपड़ा लिया है जो आप लोगों ने देखा, येलो कलर में, ब्लू कलर में भी था, नेवी ब्लू वाला और येलो वाला भी था। देखने में तो नेवी ब्लू वाला अच्छा लग रहा था, बट उजमा के करीब ले जा रही थी लगा रही थी ना, तो उसके ऊपर ये येलो वाला कलर कुछ ज़्यादा ही खिल के आ रहा था, तो मैंने ये ले ली। आप लोग कमेंट करके बताना मेरा डिसीजन सही था कि नहीं, नेवी ब्लू लेना चाहिए था कि ये ठीक है। मुझे येलो ही ठीक लग रहा था उसके फेस पे, अच्छा लग रहा था येलो, बचपन से ही उजमा पे ना बहुत सूट करता है, नेवी ब्लू भी करता है ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों येलो बहुत दिन से मेरी बच्ची के पास नहीं है, तो मैंने येलो ले ली। और साथ में ये चिकन का कपड़ा ले ली पिंक वाला, बहुत अच्छा लाइट वेट एंड सॉफ्ट फैब्रिक है, लेकिन इसके लिए मैंने बॉटम का कपड़ा नहीं लिया, एक मीटर कपड़ा लिया उसके कुर्ते के लिए, क्योंकि बॉटम का तो मुझे पता ही नहीं कि उसको मेरे को शरारा सिलाने का कितना कपड़ा लगेगा, तो पहले पूछूंगी फिर बाद में लूंगी इंशाल्लाह। अगर नहीं भी ले पाई कोई, अभी पता नहीं कौन सी के देगा पहली बात तो ये उसको, तो मार्केट में ना वाइट लेगिंग्स बहुत मिलती है डायमंड्स वाली प्लेन वाली, तो वो चला लेंगे। और वैसे भी ये सूट के साथ भी वाइट लेगिंग आई है, वैसे तो अपन ऐसा नहीं करेंगे कि ये सूट की उधर पहना देंगे, करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, इतना प्यारा कपड़ा ली तो ऑब्वियसली इसके बॉटम का कपड़ा लेने की कोशिश करेंगे और सिलवाएंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, ठीक है। तो ऐसा है, चलिए फिर ये ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कपड़े भी मैंने सिलाने दे दिए, 2000 रुपये सिलाई बोले तीन ड्रेस की, 700-700 रुपये लिए उन्होंने एक एक ड्रेस का। तो वैसे अस्तर वाले कपड़े का मैंने बोली ना यहाँ पे कम ज़्यादा है भाव, किसी का 550 किसी का 650 किसी का 750, पता नहीं मेरे कपड़े में ऐसा क्या था कि 700-700 रुपये लिए, जबकि तो मैंने नॉर्मली सिलाई, कोई पैटर्न शैटर्न मैंने सिलवाई नहीं हो। चलो खैर, कम से कम शुक्र है अल्लाह का ले तो लिए टेलर ने सीने के लिए। चलो फिर ये ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, अगले ब्लॉग का इंतज़ार करना। हाँ जानती हूँ मेरे ब्लॉग्स जो है आप लोगों को थोड़े डिले होके मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास है ना बैकअप में ब्लॉग्स थे, कभी कभी क्या हो जाता है एक दिन में एक ब्लॉग भी नहीं बन पाता है, और कभी कभी क्या होता है एक दिन में दो दो ब्लॉग्स बन जाते हैं, कभी इफ्तारी तक के मैं एक ब्लॉग खत्म कर देती हूँ, कभी इफ्तारी के बाद में भी शूटिंग कर लेती हूँ, तो एक दिन में दो ब्लॉग निकलने की वजह से क्या होता है और ब्लॉग बैकअप में हो जाते हैं यानी एक्स्ट्रा हो जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश भी की थी आप लोगों को एक एक दिन में दो दो ब्लॉग देने की, रात में भी दे रही थी मैं 9:30 बजे, फिर दिन में भी दे रही मतलब सहरी के वक्त भी मैं 3-3:30 बजे के टाइम पे वीडियो अपलोड कर रही थी, बट मुझे दो वीडियो डालने के बाद ऐसा लग रहा था कि आप लोग वॉच नहीं करते हो, आप लोगों को एक ही वीडियो देने का, दिन में दो वीडियो दे देते ना आप लोग, कोई भी एक वीडियो देखते हो या तो दोनों भी नहीं देखते हो, मुझे व्यू उस तरह से नहीं मिलते, तो मैं दिन में एक ही डाल रही हूँ, उस वजह से बैकअप में वीडियो जम गया है। तो ऐसा है, आप लोग वीडियो देखते हो ना तो वीडियो अपलोड करने मज़ा आता है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो अपलोड देखते नहीं हो ना तो फिर वो डाल के कोई मतलब नहीं होता, डबल मेहनत हो जाती है ना, एक तो वीडियो एडिट करो, वीडियो बनाओ, फिर दो बार वीडियो अपलोड करो, बहुत मेहनत हो जाता है, अपलोड करने में भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप लोग वॉच नहीं करते ना तो हमारी मेहनत थोड़ी सी ज़ाया हो जाती है इसलिए, और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं रात में जाग के जो वक्त पे बोलते हैं ना इबादत के बाद इंसान सो जाता है, उस वक्त पे मैं जाग के अपना काम करती होती हूँ, तो बट लेकिन चलो खैर देखते हैं, थोड़ा सी एडजस्ट करो आप लोग भी, मैं ब्लॉग तो डाल रही हूँ कंटिन्यूसली ठीक है। चलिए फिर अल्लाह हाफिज़, मुझे नींद आ रही है बाबा, अल्लाह हाफिज़, मेरा चक्कर भी आ रही है ना।